हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइज़ इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे इसके 10 प्रोज के बारे में, जो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कॉन्स के बारे में बताए थे, जो इसकी एक तरीके से आप बुराइयाँ कह सकते हैं, ठीक है। जो मुझे अपना पर्सनल जो मेरा ओपिनियन था वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो आज हम इसके 10 प्रोज के बारे में जानेंगे जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस सबसे पहला जो पॉइंट बनता है, ये जो आप फ्रंट लुक देख सकते हैं, इसका जो फ्रंट लुक निकल के आता है काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लगता है। जो बीच में इसकी टाइगर ग्रिल है ये भी काफ़ी देखने में बहुत बढ़िया लगती है। ये आपको मिल जाता है ड्यूल टोन कलर में, इसका मिल जाता है बम्पर, तो ये भी काफ़ी देखने में ना एक अट्रैक्टिव लुक लगता है फ्रंट से देखने में। चाहे आप इसका साइड लुक भी देखोगे तो साइड लुक भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज ऐसा इसका साइड लुक देखने में लगता है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और ऊंची ऊंची सी गाड़ी लगती है और बहुत ज़्यादा हैवी लगती है देखने में। सब 4 मीटर के अंदर अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ना एन अदर सेगमेंट के हिसाब से, तो गाइज उससे तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा लागू ना अच्छी लगती है। जैसे कि आप देख सकते हो भाई, पीछे से भी इसका लुक जो है बहुत ज़्यादा अच्छा निकल के आता है। गाइज ये HTK वेरियंट है किया सोनेट का। बाकी सो इसके ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये जो अपना रूफ रिल्स और शार्क फिन एंटीना लगा हुआ है, ये गाइज मैंने आफ्टर मार्केट लगाया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके एक बार वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो अब सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें तो भाई इसका है ग्राउंड क्लियरेंस। इसमें आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हो। और मैं अभी तक का अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो इस गाड़ी को मैंने बहुत गड्ढों पे खुदाई है, बहुत ब्रेकरों पे भाई जंप कराया इसको मैंने। आज तक का रिकॉर्ड है, 5 फैमिली मेंबर्स है मेरे, बैठने के बाद ही अभी तक ना किसी भी उसमें टच नहीं हुई है, ना ब्रेकर पे ना कहीं पे भी। ऐसा कुछ नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा ये दिक्कत दे रही है, ग्राउंड क्लियरेंस इसका बहुत अच्छा होने के बाद और कहीं भी ये गाड़ी टच नहीं होती है। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करूं तो भाई इसका बूट स्पेस, ये देखो भाई, जैसे कि आप देख सकते हो भाई इसमें 392 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, काफ़ी बड़ा बूट स्पेस मिलता है इसके अंदर। और भाई मैं बात करूँ तो इस सेगमेंट के हिसाब से एन अदर सेगमेंट जो भी हैं, जैसे कि टाटा नेक्सोन हो गई, ब्रीजा ले लो या फिर अपना इको स्पोर्ट ले लो, चाहे वो मैग्नाइट ही क्यों ना हो जो न्यू आई है, उस तक से ज़्यादा इसमें बूट स्पेस मिलता है। तो ईजिली आप कहीं भी अगर वीकेंड पे जाना चाहते हैं या कहीं पे भी, तो वहाँ पर आप इजीली जा सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा इसका प्लस पॉइंट लगता है। बात करते हैं गाड़ी के अंदर चलते हैं, जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं भाई। तो गाइज जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं, जो इसका सिटिंग कम्फर्ट निकल के आता है ना, वो बहुत जेन्युइन लगता है। जैसे कि आप देख सकते हो बकेट सीट कवर मैंने लगवाए थे, ये भी आफ्टर मार्केट, अगर वो वीडियो देखनी हो तो वो भी आप देख लेना, अपने चैनल पर अपलोडेड है। तो जैसे ही आप गाड़ी में बैठते हो तो सबसे पहले तो भाई इसमें ना आगे की तरफ आपको जो है अपना बोनेट दिखता है। और बाकी सीटिंग कंफर्ट की बात बताऊं तो नो डाउट, मैंने इसे बैक टू बैक करीबन 100 किलोमीटर एक बार रनिंग की थी, अपने गांव गया था और लेके भी आया था। करीबन 200 किलोमीटर मैंने इसमें गाड़ी चलाई थी, गाँव लेके गया था, गाँव से ही लेके आया था। तो मुझे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई इस गाड़ी के अंदर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि यार मैं थक रहा हूँ। या फिर अनदर सेगमेंट के हिसाब से लगाऊं तो एक होती है ना सीट, मतलब बहुत ज़्यादा एक कुशनिंग टाइप में जो होती है ना, वो इसके साथ हमें मिल जाती है। काफ़ी मज़ा आता है इस गाड़ी को चलाने में और लाइट वेट लगता है इस गाड़ी को चलाने में, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो गाइज ये था इसका फोर्थ पॉइंट। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, जो इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस और जो इसका स्टीयरिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा लाइट है। जब आप इसको ड्राइविंग कर रहे होते हैं ना, तो जो इसका स्टीयरिंग है मैं भी आपको दिखाता हूँ। देखो भाई ये गाड़ी मैंने स्टार्ट कर लिया, अभी आपने सुन लिया होगा, ठीक है, ठीक है, ये मेरी फिंगर है भाई, ठीक है, बिल्कुल ये i20 को टक्कर देता है। देखो एक उंगली से भाई मैं खड़ी गाड़ी में घुमा रहा हूँ स्टेयरिंग, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कितना ज़्यादा ये लाइट स्टेयरिंग है। ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो भाई, ये उंगली है, ये देखो, एक उंगली से घुमा देता हूँ मैं इसका स्टीयरिंग और पूरा घूम जाता है। तो भाई दैट्स वाई इसको आप जब गाड़ी को चलाओगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यार। इसका स्टीयरिंग इतना लाइट है कि आपके हाथ पे ना इफेक्ट ही नहीं पड़ता बिल्कुल भी, कि आप किसी हाथ से मतलब अपने स्टीयरिंग को घुमा रहे हो। हैवीपन जो आता है ना, वो चीज़ इसमें बहुत कम फील होती है और लाइट वेट स्टीयरिंग लगता है इसका, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। चाहे वो आप 1.5 डीजल ले लो, चाहे 1.2 पेट्रोल ले लो, या फिर 1.0 टर्बो वेरियंट में ले लो, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है इस गाड़ी को चलाने में। तो दैट्स वाई भाई मेरे को तो रियली बताऊँ, अगर आप इसे कंपेयर करोगे ना i20 से, न्यू जो i20 आई है उसमें और इसमें जो है ना, थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा आपको 19-20 का। अब बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट के बारे में, जो अपना हाइट एडजस्टमेंट सीट्स इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो भाई ये रहा, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो है ना आप अपने हाइट एडजस्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ मेरे को इसका पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज मेरे घर में चलाने वाले 5 से 6 मेंबर हैं, तो दैट्स वाई भाई आराम से जो है अपने अकॉर्डिंग मैं सीट एडजस्ट कर सकता हूँ। और अपना आराम से हमें कोई भी ट्रिप करनी है या फिर कोई भी लॉन्ग राइड पर जाना है या कहीं पर भी जाना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि ईजिली जो है ना बंदा अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग जो है सीट एडजस्ट करके वो गाड़ी चला सकता है।
तो गाइज ये एक पॉइंट मेरे को बहुत ज्यादा पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया था। गाइज अब मैं इसके 7 पॉइंट के बारे में बात करूँ, तो जैसे मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली है और आप फ्रंट पे भी देख सकते हैं जो अपने हेडलैम्प है ऑन है, और इसका नाम जो है फॉलो मी होम हेडलैम्प, जो इसके साथ ही हमें फीचर मिल जाता है। ये हम बात कर रहे हैं 7th प्रोस के बारे में, जो 7वां पॉइंट हमारा रहने वाला है। अभी मैं गाड़ी को कर लेता हूँ बंद और मैं आपको ऑन कैमरा भी दिखा देता हूँ, बट इससे पहले वाली वीडियो में ना मैंने इसके ऊपर स्पेशली जो है एक वीडियो बना के अपलोड की हुई है, आप जाके देख लेना भाई। अभी देख लो भाई, गाड़ी को मैं कर देता हूँ बंद, ठीक है। अभी वेट करते हैं, आप देख सकते हो भाई कि मैं आपको फिर दोबारा से दिखा देता हूँ जो इसका 7th पॉइंट है। ये ऑटोमेटिक जो है खुद ही बंद हो जाती है, 15 से 20 सेकंड का टाइम लेती है, देखो, ठीक है। तो ये बंद हो गए, जो इसका 7th पॉइंट था भाई ये था, जो मैं आपके साथ दिखाना चाह रहा था और शेयर करना चाह रहा था, जो मुझे बहुत ज़्यादा रियली बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब उसके बाद बात करते हैं भाई 8th पॉइंट के बारे में, जो अपना 8th पॉइंट रहने वाला है रियर के एसी इवेंट्स, जो मुझे रियली बहुत ज़्यादा पसंद आए। इसका जो एयर फ्लो है मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं इधर बैठता हूँ ये देखो, आराम से जो है मैं आराम से इजीली बैठ जाता हूँ। पीछे जो सीटिंग कंफर्ट है काफ़ी अच्छा रहता है, और ये जो अपने एसी के इवेंट हैं ये भी काफ़ी बढ़िया है यार, और नीचे का जो स्पेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है आराम से, जो है अपना बंदा यहीं से जो है यूएसबी से कनेक्ट करके फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, और यहीं पे जो है अपना फ़ोन रख के इजीली जो है यहाँ पर कुछ भी अपना फ़ोन चार्ज कर सकता है, ठीक है। तो ईजी टू यूज़ है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, जैसे कि आप देख सकते हो। और जो अपने एसी के वेंट हैं यहाँ पे भी अच्छे वर्क करते हैं, पीछे जो है ना मतलब फील नहीं होता कि गर्मी लग रही है नहीं लग रही, आगे चाहे अपना केबिन जो है कूल हो जाता है, बाकी पीछे का भी ना बहुत जल्दी कूल कर देता है। जहाँ पर मैं बात करूँ तो पीछे के एसी वेंट नहीं होते ना, अगर फ्रंट केबिन में एसी है, 4 एसी इवेंट्स है, तो भाई उसमें टाइम लेता है बहुत ज़्यादा। यहीं में बात करूँ तो पीछे के एसी इवेंट आ जाते हैं तो भाई उसमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा कम, मुश्किल से अगर लगा लो आप गाड़ी, अगर ऑल ओवर टेम्परेचर में बताऊँ तो गाड़ी अगर सामने के 4 एसी इवेंट हैं तो वो टाइम लेते हैं 5 मिनट गाड़ी को कूल करने में। यहीं में बात करूँ तो पीछे के भी रियर एसी जब इवेंट चलते हैं तो भाई आराम से जो है ना ये 2 से 2.5 मिनट में कूल हो जाती है गाड़ी, बहुत जल्दी होती है, तो इसका बहुत बढ़िया लगता है मेरे को। तो गाइज़ ये है हमारा 9th पॉइंट, जो भाई ये मुझे एवरेज निकाल के दे रही है, बहुत बढ़िया एवरेज निकाल के दे रही है। अगर मैं सिटी के बारे में बात करूँ तो ये आराम से जो है 13-14 की एवरेज निकाल के दे देती है। वहीं मैं बात करूँ ना भाई हाईवे पे तो ये 18, 19, 20 तक भी निकाल के दे देती है इजीली, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था। और मैं अभी अगर बताऊँ तो मैंने अभी जस्ट गाड़ी स्टार्ट करके ना घर से लाया ही हूँ, यहाँ भी दिखा रहा है एवरेज 11.6। क्योंकि ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैं गाड़ी लॉन्ग रूट पे मैंने अभी चलाई नहीं है, मतलब 1-2 किलोमीटर तक भी नहीं चलाई, जस्ट भाई मैंने गाड़ी स्टार्ट करके थोड़ा सा लेके आया हूँ अभी। और उसके बाद क्या है भाई, ये देख लो 11.6 की एवरेज यहाँ पर शो कर रहा है। अगर मैं इसे थोड़ा सा रेगुलर चलाऊंगा, मुश्किल से 2-3 किलोमीटर रेगुलर चलाऊंगा सिंगल रोड पे जैसे भी सिटी में, तो आराम से यहाँ पर जाए 13-14 की एवरेज दिखाना स्टार्ट कर देता है। वहीं मैं बात करूँ तो भाई अगर हाईवे पे, तो हाईवे पे 18 की एवरेज निकाल के दे देता है। अब गाइस बहुत से भाई बोलेंगे तो ये एवरेज कोई ठीक थोड़ी ना हुई, ठीक है। अब बहुत सारे भाइयों के मन में डाउट होगा कि एवरेज तो भाई कम है ये पेट्रोल पे, ठीक है। तो गाइस उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ, जब मैं गाड़ी लेने जा रहा था ना तो जो मेरा मन था इस गाड़ी को लेने से पहले, i20 पेट्रोल जो न्यू अपना वर्जन आया अभी i20 का, यही अपना जो नवंबर में लॉन्च हुआ था। बट वहीं मैं बात करूँ ना तो i20 का इसमें सेम इंजन देखने को मिल जाता है, एवरेज भी वो सेम ही रहती, कुछ ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर नहीं है, 1-2 पॉइंट का ऊपर नीचे बनता, बट देखा जाए तो भाई एवरेज तो सेम ही मिलती है यार। वो भी कंपनी क्लेम कर रही है i20 की 18 की, यहीं क्लेम कर रही है ये अपना जो किया वाले हैं सोनेट की 18 की एवरेज कर रही है पेट्रोल पे। तो भाई जब SUV की फीलिंग भी मिल रही है हमें साथ साथ गाड़ी की, और दिखने में भी लुकिंग वाइज नो डाउट बहुत बढ़िया है, और i20 का नाम ना बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट में वैल्यू तो बना रखी है उस नाम ने, बहुत अच्छा नाम है, और अपने घर में ओन पहले से i20 है जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो इस वजह से भाई मैंने को कुछ थिंक डिफरेंट लेना चाहिए, तो दैट्स व्हाई भाई मैं सोनेट पे गया। सीरियसली बता रहा हूँ अभी तक का इसके साथ का जो रिस्पांस है काफ़ी अच्छा है। गाइस लास्ट जो पॉइंट है अपना 10th पॉइंट वो है भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी, अभी मैं आपको उन कैमरा दिखा देता हूँ। भाई जब आप इस गेट को खोलते हो ना बहुत ज़्यादा भारी फील होता है, ठीक है, मतलब सिंगल हैंड से जब आप खोलोगे तो बहुत ज़्यादा ना प्रेशर लगाना पड़ता है। अभी मैं डोर बंद करूँगा ना तो आप आवाज़ सुनना, फील करना, ये देखो ठीक है। तो आगे की जो इसके डोर की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, अगर मैं वहीं बात करूँ ना पीछे की, तो पीछे की थोड़ी लाइट मिल जाती है, ठीक है, आप आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो, बट आगे की जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया लगती है। और बोनेट ना इसका सिंगल हैंड से उठता नहीं है, काफ़ी भारी बोनेट है भाई इसका, रियली बता रहा हूँ। और रियली बताऊँ तो डिग्गी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा भारी है, बिल्ड क्वालिटी में नो डाउट अच्छा काम किया गया है किया वालों ने। और वहीं मैं कंपेयर करूँ तो भाई अपना i20 से, तो i20 की जैसी बिल्ड क्वालिटी होती है ना सेम वैसी आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी मिलेगी, 19-20 का फ़र्क देखने को मिल सकता है, बट देखा जाए तो भाई बिल्ड क्वालिटी में नो डाउट अच्छा काम किया गया है। वहीं मैं बात करूँ ना अंदर सेगमेंट के हिसाब से, जैसे नेक्सोन हो गए, नेक्सोन की तो भाई टाटा तो अपनी बिल्ड क्वालिटी से ही माना जाता है, उससे थोड़ा सा ना ये डाउन में मिलेगी, बट देखा जाए तो ठीक है यार, अपना आराम से जो है ना वर्क हो जाता है।
तो गाइज यही थे कुछ ऐसे 10 प्रोज जो मुझे रियली अपनी इस गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा पसंद है और अपने हिसाब से मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ। आप इसकी धीरे धीरे वीडियो देख ही रहे होंगे। तो गाइज बस यही था इस वीडियो के अंदर जो मुझे अपनी ओन अपना एक्सपीरियंस और अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करना था। गाड़ी में नो डाउट कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 7 कौन से ज़्यादा देखा जाए, जो मैंने इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में बताया था जो इसकी बुराइयाँ थी, वहीं मैं बात करूँ ना 7 कौन से ज़्यादा तो इसके प्रोज हैं। 10 प्रोज में गाइज ये ख़त्म नहीं होता, इसके और भी बहुत ज़्यादा इसके प्रोज हैं जो रियली बता रहा हूँ मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। वीडियो पहले ऑलरेडी लेंथी हो गई थी तो दैट्स वाई भाई मैंने नहीं बताया, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मैं धीरे धीरे करके बता दूंगा आपको। तो गाइज बस यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपके जो इतने भी 10 प्रोज थे जो मैंने बताए आपको तो उसमें से आपको कौन सा पसंद है वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो गाइज बस यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।